हेलो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई एक्स इज इन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ओके सबसे पहले समझते हैं इसका की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या है लेट्स एक फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स और x इक्ल टू ए से लेके x एक्स टू बी तक ये एरिया हमको फाइंड करना है है ना तो इस एरिया को लिखने का क्या तरीका है? जो एरिया है वो कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स और x की वैल्यू a से लेके x एक्स की वैल्यू कहाँ तक जाएगी b तक जाएगी करेक्ट ये हमको यूज़ करना है ठीक है उसको यूज़ करने से पहले ग्राफ बना लें एक बढ़िया सा ग्राफ बना लेते हैं ना क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो फर्स्ट क्वार्टर का ही ग्राफ बनाते हैं ठीक है ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर तो ये तो सर्कल की बात हो रही है बट सर्कल में भी आप ध्यान से देखो इसमें आप ध्यान से देखो वाई पॉजिटिव है मतलब हम सिर्फ इतने से पोर्शन की बात कर रहे हैं सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं विच इज इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर राइट फिर एक लाइन है वाई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स ये लीजिए भाई वाई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स और वाई एक्सेस ये एरिया हमको फाइंड करके बताना है क्या करना है हमको ये एरिया फाइंड करना है कोई बात नहीं है तो एक काम करते हैं जो एरिया फाइंड करना है उसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं ये और ये और रहा सर्कल ये सर्कल का यहाँ पे है जीरो कामर टू ये है ओरिजिन है ना ये हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं दोनों को सॉल्व करके राइट वाई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स को यहाँ पुट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर और फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर एंड एक्सर इक्वल टू वन और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो एक्स वन आएगा एक्स वन को यहां पुट करेंगे तो वाई रूट थ्री आ जाएगा और ये एरिया हमको फाइंड करना है ना क्या सॉल्व करें ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्या ये एरिया लिखेंगे राइट है ना चलो एरिया लिखें इसका इसका एरिया क्या होगा एफ एक्स होगा लेकिन इस केस में क्योंकि दो कर्व्स के बीच में है क्या है दो कर्व्स के बीच में तो इसका जो एरिया होगा वो होगा वाई अपर माइनस वाई लोअर इंटू डी एक्स है ना और एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जीरो से स्टार्ट हो रही है एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू कहां तक जा रही है वन तक जा रही है एक्स की वैल्यू वन तक जा रही है जीरो से वन वाई अपर करोअर रूट थ्री एक्स चलो एक्सो थोड़ा अच्छे से एक बार लिख लेते हैं एरिया क्या फाइंड करना है एक्स इक्वल टू जीरो से लेके वन तक है ना तो I guess ये वाला ये वाला ये ये तो बहुत हो जाएगा है ना ये जो इंटीग्रेशन है इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स है ना डीएक्सल क्या था एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए राइट यानी माइनस नहीं प्लस ए स्क्वायर बाई टू है ना ये फार्मूला था फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं तो ए इज इक्वल टू यह आ जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय टू माइनस रूट थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू और ये जीरो से लेके वन तक है ना जीरो से लेके कहा तक वन तक उससे so, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं वन पुट करेंगे वन पुट करेंगे हाफ रूट थ्री प्लस टू साइन इनवर्स हाफ माइनस रूट थ्री बाई टू और अब लोअर लिमिट पुट कर दे जीरो पुट करेंगे जीरो जीरो माइनस जीरो तो एरिया कितना आ गया इससे कैंसिल हो गया साइन इनवर्स हाफ का मतलब होता है थर्टी डिग्रीज पाई बाई सिक्स मतलब एरिया कितना आ गया पाई बाई थ्री स्क्वास दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया थैंक यू